आज की इस वीडियो में मैं आपको मजदाक कैरल 2014 मॉडल का रिव्यू दूंगा। आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर दिखाया जाएगा और तमाम तर फीचर्स के बारे में बात की जाएगी तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस गाड़ी की तमाम तर चीज़ें समझ आ सकें और डिटेल में आपको इन्फॉमेसन मिल सके टू मॉडल है टू की इम्पोर्ट है और फोटीन लाख रुपीज़ इस गाड़ी की फ़ाइनल प्राइस है यहाँ पर जापान ऑटो ट्रेड के पी के मानसहरा में अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है आप कॉल करके इससे मतलब बाकी इन्फॉमेशन हासिल कर सकते हैं और इंटीरियर आपको मैं इस गाड़ी का दिखाता हूँ और फिर तफसील से बात की जाएगी तो पहले आपको एक क्विक वॉक अराउंड देते हैं इसके इंटीरियर का और एक्सटीरियर का और फिर डिटेल में बात की जाएगी ये 2014 का मॉडल है और इंटीरियर की कंडीशन वग़ैरह आप देख लें चौदह लाख रुपया इस गाड़ी की फाइनल प्राइस है यहाँ पर जापान ऑटो ट्रेड पर तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है कॉल करके आप इससे मुतल बाकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सी सी इन लाइन थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है और एक छोटी फैमिली कार है ए, सिटी वगैरह की ड्राइव के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है ये यहाँ पर अगर मैं इसके फ्रंट से स्टार्ट करूँ तो मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजिन लैंप्स आते हैं क्रिस्टल हेडलाइट्स के साथ और पार्किंग लाइट भी आपको हेलोजिन लैंप में मिलेगी और इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल का ऑप्शन है यहाँ पर जो कि हेलोजिन लैंप में है और बॉडी कलर्ड इसकी फ्रंट ग्रिल है जैसा कि आप देख सकते हैं और आपको यहाँ पर मजदा का लोगो मिलता है जो कि क्राउम फिनिश में है उसके अलावा इसका फ्रंट बम्पर जो है ये बॉडी कलर्ड है यहाँ पर ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ इसका फ्रंट बम्पर डिज़ाइन किया गया है फेंडर के ऊपर टर्न सिग्नल वगैरह नहीं दिया गया जबकि यहाँ पर इसका जो साइड व्यू मिरर है ग्लॉसी फिनिश में इसका साइड व्यू मिरर सिल्वर कलर का डिज़ाइन किया गया है और इसके ऊपर आपको हेलोजिन लैंप में टर्न सिग्नल का ऑप्शन मिलता है और इसके साइड व्यू मिरर्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं सिल्वर कलर के ग्लॉसी फिनिश में डोर हैंडल्स यहाँ पर आते हैं और इसका जो ड्राइवर डोर हैंडल है इसके ऊपर स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन आपको दिया गया है इसके फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है जो कि एक सॉलिड डिस्क ब्रेक है और टायर्स वग़ैरह की भी आप कंडीशन देख लें इसके फ्रंट पर मैक पर्सन स्टर्ट सस्पेंशन है 165 65 का टायर है 13 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ हैं और बैक साइड से भी मैं आपको इसकी व्हील की कंडीशन दिखा देता हूं और बैक साइड पर आपको इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है गाड़ी की बैक साइड पर बढ़ें तो यहाँ पर आपको इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है इसमें डी फॉगर मिल जाएगा लेकिन इसमें आपको विंड स्क्रीन वॉशर और वाइपर का ऑप्शन नहीं दिया गया इसके इनसाइड हाई माउंटेड ब्रेक लैंप इंस्टॉल है जो कि जो, जो कि एक बार लाइट है एल बार लाइट यहाँ पर आपको दी गई है उसके अलावा बैक पर ब्रेक लैंप इसका एल में दिया गया है और टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप हेलोजिन लैंप में आता है यहाँ पर आपको मजदा का लोगो मिलेगा और इस तरफ आपको कैरल की बैजिंग मिल जाएगी फ्यूलेड ओपनर इसका यहाँ मौजूद है बॉडी कलर्ड रियर बम्पर है और इसके बम्पर के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलता यहाँ पर आपको इसके ट्रंक को लॉक और अनलॉक करने के लिए एक इलेक्ट्रिक बटन दिया गया है तफसील से गाड़ी दिखाने का मकसद ये होता है कि क्योंकि यह गाड़ी फॉर सेल है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए और फिर अगर आपको इसका ख़रीदने का इरादा बनता है तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है आप कॉल करके इससे मतलब बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं सिंगल टोन में इसके डोर की डिज़ाइनिंग की गई है सिंगल कलर टोन में ग्रे कलर में और अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस की बात करूँ तो तमाम विंडोज़ इलेक्ट्रिक हैं और सिर्फ ड्राइवर विंडो ऑटोमेटिक है यहाँ पर आपको विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन मिल जाता है और साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं और इसमें जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं तो उन्हें ऑन और ऑफ़ करने के लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया है यहाँ एक स्पीकर मौजूद है इसके डोर के ऊपर और एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया गया है नॉन एडजस्टेबल थ्री स्पोक इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग व्हील का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको एस आर एस एयरबैग भी इसकी स्टेयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाएगा और मजदा का लोगो मिलता है उसके अलावा स्टेरिंग व्हील की राइट right साइड पर अगर आप देखें तो हेडलाइट कंट्रोल स्विच है और लेफ्ट साइड पर वाइपर कंट्रोल स्विच आपको दिया गया है आ, इस तरीके से सर्कुलर शेप में एक एयेंट है और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर मौजूद है इसका फैब्रिक सीट्स हैं जो कि लाइट ग्रे और डार्क ग्रे के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन की गई हैं और मैन्युअली एडजस्टेबल हैं स्टेयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर आपको दो एवेंट्स दिए गए हैं इस तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है और हेज लाइट स्विच इसका यहाँ मौजूद है इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें प्री इंस्टॉल्ड है जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं और उसके अलावा मैन्युअली कंट्रोल्ड ए और हीटर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं और इंजन आइडल ऑन और ऑफ करने का बटन इसका यहाँ मौजूद है यहां से आप इसकी एयर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं एसी को ऑन और ऑफ करने का बटन है और डी का बटन यहाँ दिया गया है इसमें आपको एक 12 वोल्ट की पावर सॉकेट दी जाती है उसके अलावा यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और ग्लव बॉक्स का ऑप्शन है और एक एयरवेंट आपको यहाँ दिया गया है साथ ही एक एस आर एस एयरबैग का ऑप्शन आपको यहाँ पैसेंजर के लिए मिल जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गेयर लेवर आप इसका देख लें दो कप होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं उसके अलावा अगर रूफ़ पर ऑप्शंस की बात की जाए तो सनशेड्स में आपको यहाँ पर मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता रियर पैसेंजर डोर की डिज़ाइनिंग इस तरीके से की गई है सिंपल विंडो को अप एंड डाउन करने का बटन है और एक स्पीकर मौजूद है अच्छा यहाँ पर आप इसकी जो सीट्स हैं इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं इस तरीके से बग़ैर पार्टीशन के आपको यहाँ पर सीट्स मिलती हैं हेड रेस्ट आपको यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं उसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिज़ाइनिंग की गई है लेफ़्ट साइड पर इंजन आर मीटर है स्पीड मीटर यहाँ मौजूद है 140 किलोमीटर तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है और फ्यूल इंडिकेटर यहाँ मौजूद है 81,559 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है और गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको इसमें दिया गया है तो चलिए आपको मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि आप इंजन वग़ैरह की भी कंडीशन देख लें और प्राइस आपको मैं एक बार फिर बताता चलूँ चौदह लाख ,00 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है तो चलिए आपको इस गाड़ी की हेडलाइट्स वग़ैरह भी ऑन करके दिखा देते हैं तो ये था आज का 2014 मॉडल मजदा कैरल का डिटेल्ड रिव्यू आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो कर लें और यूट्यूब पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़